नमस्कार, कक्षा सातवीं के प्यारे से बच्चों, आप सभी का आज की इस कक्षा में स्वागत है। आज हम सभी अपनी पाठ्यपुस्तक बसंत के एक पाठ को पढ़ने वाले हैं, लेकिन उस पाठ को प्रारंभ करने से पहले कुछ मीठी सी बातें कर लें कि आप लोगों को मिठाइयाँ पसंद हैं। हाँ, किसको पसंद नहीं, सबको पसंद हैं अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, और क्या पसंद होता है। बच्चों को खिलौने, खेल और मुख्य रूप से खिलौने दिलवाने वाला, मिठाइयाँ खिलाने वाला, साथ में खेलने वाला, हमारी बातों को सुनने वाला, समझने वाला व्यक्ति भी हमें उतना ही पसंद होता है जितनी कि ये सब चीज़ें, है ना। तो ऐसा ही एक व्यक्ति था मिठाई वाला, जिसे मिठाई वाले के नाम से सभी जानते थे। उसी मिठाई वाले के जीवन से संबंधित कुछ ऐसे क्षण, और किस प्रकार से वो मिठाई वाला बना, खिलौने वाला बना, बच्चों की पसंद बना, और उसके जीवन में क्या घटित हुआ, वही सब कुछ हम इस पाठ में आज पढ़ेंगे और समझेंगे। मिठाई वाला एक ऐसा व्यक्ति था जो गलियों में घूम घूम कर अलग अलग तरह की, पहले खिलौने बेचा करता था, बच्चों की पसंद के खिलौने, बच्चों को अपने पास बुलाता, खिलौने दिखाता। उसके बेचने का एक अलग ही अंदाज था। वह कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, और उसकी आवाज़ सुनते ही सारे बच्चे उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाया करते। माँ बाप से जिद करके पैसे लाते, उससे पैसे से खिलौने खरीदते, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी मनमोहक थी कि केवल बच्चे ही नहीं बल्कि उनके परिवार वाले भी उस खिलौने वाले को देखने की इच्छा करते। और बच्चे तो अलग अलग तरीक़ों से माँ बाप से जिद कर पैसे लेकर आते और खिलौने खरीदते, लेकिन खिलौने वाला भी उन बच्चों को छोटी छोटी बातों के लिए परेशान ना करता। अगर कोई एक दो पैसे कम देता तो वह मान जाता, केवल बच्चों की छोटी छोटी उंगलियां देखकर, उनके छोटे छोटे चेहरे और उनकी खुशियां देखकर ही वह खुश हो जाता। और तब इसी कहानी के बीच में एक राय बहादुर जी का जिक्र आता है, जिनके दो बच्चे थे जो तितला कर बोलते थे। बड़ा ही सुंदर दृश्य यहाँ लेखक ने हमारे समक्ष रखा है कि जब मुन्नू कहता है, और देखो मेला कैचा छुंदले, है ना, तो इस तरीके से ये कथानक आगे बढ़ता है। और इसका अंत क्या होता है, इससे हम इस पाठ को पढ़कर जानेंगे। तो पढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस पाठ को। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक और मधुर ढंग से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक अलग तरीके से वो उसे कहता था, गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर होते। अस्थिर मतलब उनका ध्यान जो है वो कुछ भी कर रहे हों उस आवाज़ की तरफ चला जाता। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती, कि जो लेडीज़ थीं वो अपने बच्चों को गोद में लेकर
अपने छज्जे पर आकर देखती कि इतना सुंदर बोलने वाला ये कौन है। गलियों और उनके अंतरव्यापी छोटे छोटे उद्यानों, अंतर गलियों मतलब गलियों में और उनके अंतरव्यापी उनके अंदर बने हुए छोटे छोटे बाग बगीचे जो थे उनमें खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठ जाता और अपने खिलौनों की जो उसकी पेटी थी उसे खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, पुलकित खुश हो जाते जब उसकी पेटी खुलती और उसमें से उन्हें बहुत सारे खिलौने उसमें दिखाई देते तो वो बहुत खुश होते और पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते और पूछते इसका दाम क्या है। और इसका खिलौने वाला बच्चों को देखता उन्हीं की नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला सागर की हिलो की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला मेला घोला कैचा चुंदले और मुन्नू बोला और देखो मेला कैचा चुंदले। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलते। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही और अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा अरे ओ चुन्नू मुन्नू ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। मुन्नू बोला तो पैसे में खिलौने वाला दे गया। रोहिणी सोचने लगी इतने सस्ते कैसे दे गया यह तो वही जाने लेकिन दे गया ही है इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी रोहिणी अपने काम में लग गई और फिर कभी उसे इस पर विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि खिलौने वाला इतने सस्ते खिलौने क्यों दे गया। लेकिन 6 महीने बाद क्या हुआ कि वो खिलौने वाला जो था वो खिलौने बेचकर चला गया और उसके बाद बहुत दिनों तक नहीं आया। 6 महीने बाद जब वो लौटा तो क्या हुआ, नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे भाई वाह मुरली बजाने में तो वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है सो भी तो 2 पैसे में, भला इससे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे आज तक नहीं देखा। उत्तर मिला उम्र तो उसकी अभी 30-32 का होगा, दुबला पतला बूढ़ा सा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। साफा क्या होता है, जो सिर पर बांधने वाली पगड़ी होती है उसे साफा कहा जाता है। तो एक व्यक्ति ने जिसने उसे देखा होगा उसने उसे बताया कि वह 30-35 साल का एक व्यक्ति है जो बीकानेरी साफा बांधता है, दुबला पतला गोरा सा युवक है। दूसरे को शायद कुछ याद आ गया होगा तो उसने कहा अरे वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या
वह पहले खिलौने भी बेचता था। और दूसरे को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, हाँ हाँ हाँ, आज के लिए हम इतना ही रखें, आगे की कहानी कल पढ़ेंगे। यहाँ तक अपनी पुस्तक से आप पठन कार्य कर आएंगे और तब हम आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे, ओके? उसे समझेंगे कि आखिर खिलौने वाला क्या वही है, ये मुरली वाला जो खिलौने वाला था। धन्यवाद।